Syed Ahmad Barelvi died on the 6th of May 1831 in a place which will immediately give you a recall value. बालाकोट। हम भारतीय लोगों की नई जनरेशन ने बालाकोट का नाम शायद पहली बार तब सुना होगा जब 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स को एयर स्ट्राइक से तबाह किया था। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बालाकोट शहर जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है और जहां जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के ट्रेनिंग सेंटर्स खुले आम चलते हैं, इस जगह का भारत से एक बहुत पुराना हेरिटेज कनेक्शन है। आज से 500 साल से भी पहले साल 1530 एडी में गुरु नानक देव जी अपने दो साथी भाई मर्दाना और भाई बाला के साथ यहाँ पहुँचे थे, जिसके कुछ दिनों बाद गुरु नानक देव और उनके साथी भाई मर्दाना अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन भाई बाला यहीं रुककर आध्यात्म और सिखी का प्रचार करना तय करते हैं। आगे चलकर इन्हीं के ऊपर इस जगह का नाम बालाकोट पड़ता है। अब सवाल ये बनता है कि जिस जगह का नाम एक आध्यात्मिक गुरु के नाम पर पड़ा हो, वो जगह आज आतंकवादियों की ब्रीडिंग ग्राउंड कैसे बन गई? इस चीज को समझने के लिए हमें 17वीं शताब्दी के भारत को जानना होगा। ये वो समय था जब 300 साल पुराना मुगल साम्राज्य अपने घुटनों पर आ चुका था। दिल्ली में बैठा मुगल बादशाह अब बस नाम का था और अंग्रेजों से मिली पेंशन पर जी रहा था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर राजा रंजीत सिंह का वर्चस्व पूरे पंजाब, जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान के भी कई बड़े हिस्सों तक फैल चुका था। वहीं दक्षिण और मध्य भारत में मजबूत मराठा साम्राज्य खड़ा था। भारत में अब इस्लामिक साम्राज्यों का अंत हो चुका था। ऐसे में एक रेडिकल इस्लामिक प्रीचर सैयद अहमद बरेलवी भारत को दारुल हरब यानी लैंड ऑफ वॉर घोषित करता है। इसके बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में भी बताया है। मुस्लिम कैनन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी देश दारुल हरब तब होता है जब उसमें रहने वाले मुस्लिम्स केवल नागरिक हो और शासन किसी और के हाथ में हो। सैयद अहमद बरेलवी अब जिहाद के रास्ते से भारत को एक बार फिर से दारुल इस्लाम यानी इस्लामिक रूल के अंडर लाना चाहता था और अपने सपने को पूरा करने के लिए ये साल 1826 में पिंडारी यूसुफजाई पठानों की एक फौज तैयार करता है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के पेशावर पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद ये बालाकोट के पहाड़ी इलाकों में जिहादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप शुरू करता है। इस सब के बाद सैयद अहमद बरेलवी शेर ए पंजाब राजा रंजीत सिंह को धर्म परिवर्तन कराने का पैगाम भेजता है, लेकिन इसके उलट राजा रंजीत सिंह इसको और इसके मंसूबों को जड़ से उखाड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। साल 2017 में अमेरिकन ऑथर जॉन की अपनी किताब टार्टन टर्बन में एक यूरोपियन योद्धा अलेक्जेंडर गार्डनर के बारे में बताते हैं जो उस वक्त राजा रंजीत सिंह की खालसा आर्मी के आर्टिलरी कमांडेंट थे। इन्होंने 6 मई 1831 में हुए बालाकोट के युद्ध का पूरा आंखों देखी ब्यौरा लिखा था, जिसमें बताया गया था सबसे पहले कमांडर हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में खालसा आर्मी की एक टुकड़ी तैयार की जाती है, जिसके बाद सबसे पहले सैयद अहमद बरेलवी को सरेंडर करने का मौका दिया जाता है। जब वह नहीं मानता तो युद्ध का बिगुल बजता है। शुरू में खालसा आर्मी जानबूझकर कुछ इलाके छोड़कर पीछे हट जाती है और अपनी आदत के अनुसार पठान उन इलाकों में लूटमार शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी ऑथर आयशा जलाल अपनी किताब पार्टीशन ऑफ अल्लाह में लिखती है कि ये पठान युद्ध के दौरान इस तरह की लूटमार करते थे जैसे इनके लिए जिहाद का मतलब सिर्फ कुछ एक गज कपड़ा लूटना ही हो। इसी चीज का इंतजार कर रही थी खालसा आर्मी, जिसके बाद इन जिहादियों को घेर कर इन पर जोरदार प्रहार किया जाता है। इसमें करीब 1500 से ज्यादा जिहादी मारे जाते हैं और साथ ही सैयद अहमद बरेलवी और इसके साथी इस्माइल दहलवी दोनों की गर्दनें काट दी जाती हैं। तब से आज तक आतंकवादियों के लिए बालाकोट एक श्राइन बन गया है। सैयद अहमद बरेलवी और इस्माइल दहलवी दोनों की यहाँ कब्रें मौजूद हैं। आतंकवादी आज भी इनके अधूरे सपने को साकार करने के अपने मंसूबों में लगे हैं। यहाँ पर हमें ये बात जरूर समझनी चाहिए कैसे ये लोग हमेशा अतीत को याद रखते हैं और लगातार बदला लेने की फिराक में रहते हैं। पाकिस्तान की एकेडमिक्स में भी ये बालाकोट वॉर स्कूल लेवल से ही उनके हिस्ट्री करिकुलम का एक मेजर पार्ट है, लेकिन दुर्भाग्य से हम भारतीयों से हमारा इतिहास और हमारी शौर्य गाथाओं को हमेशा छुपा कर रखा जाता है।